फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि अब्रॉड से पीएचडी करें, तो आज उसके लिए हमारे चैनल पर है मिस्टर सचिन गिरी सर, जो कि अभी इस समय यूएसए से पीएचडी कर रहे हैं। आज वो हमारे चैनल पर बताएंगे कि कैसे कैसे हम अब्रॉड से पीएचडी कर सकते हैं, किस किस एग्जाम के थ्रू हम अब्रॉड जा सकते हैं, और बिना एग्जाम के थ्रू भी क्या हम अब्रॉड से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज हमें सचिन सर बताएंगे। सो वेलकम सचिन सर। थैंक यू विवेक फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। हाउ आर यू? I am fine, Sachin. Sachin, please kindly introduce yourself. हाँ, जैसे कि विवेक ने बताया, मेरा नाम सचिन गिरी है, और जहाँ तक मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने मेरी एजुकेशन लाइक बीएससी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी गांधीनगर से की है। उसके बाद मैंने 2 साल एज असिस्टेंट मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी किया है। उसके बाद मैं 2020 के फॉल सेशन से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पीएचडी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन पार्टिकुलर। जी सचिन, हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सचिन, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब्रॉड में हम पीएचडी एडमिशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं? ऑडियंस की डाइवर्सिटी को देखते हुए अब्रॉड में पीएचडी के ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपके पास काफ़ी कंट्रीज है अप्लाई करने के लिए। जब कोई आप पीएचडी के लिए सोचते हो कि बाहर से पीएचडी करनी है फॉर एनी रीज़न, तो आपके पास यूएसए का ऑप्शन है, कनाडा का ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन है, यूरोप का ऑप्शन है। तो इन सब का अपना अपना प्रोसेस है। तो मैं अगर यूएस के प्रोसेस की बात करूँ इन पर्टिकुलर, तो आपको कुछ एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की रिक्वायरमेंट होती है। उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम डिटेल में बात कर सकते हैं। यूरोप में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोसेस कम होता है, प्रोफेसर के थ्रू ज़्यादा होता है। मीन आप प्रोफेसर को अप्रोच करो, प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेगा नहीं लेगा, आपको रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, आपको प्रोफेसर सिलेक्ट करेगा, एंड देन वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करता है कि मेरे को ये स्टूडेंट चाहिए। यूएसए में इसके डिफरेंटली कुछ और होता है। यूएसए में आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जाते हो, पैरेलली आप प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हो, बट यूनिवर्सिटी फ्रंट में खड़ी होती है, वो आपको एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद आपको प्रोफेसर सिलेक्ट करता है। और इसी तरीके का प्रोसेस डिफरेंट कंट्रीज एक्सेप्ट करती है। जैसा कि सचिन आपने बताया कि हम लोग प्रोफेसर को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, तो आपने जैसे यूएसए बताया यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है, क्या हम लोग यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं या किसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है? सो यूनिवर्सिटी को मेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है, एग्जामिनेशन पोर्टल, जैसे कि बाकी नॉर्मल एग्जामिनेशन में कोई एक पोर्टल होता है। जैसे मान लो आपको यूनिवर्सिटी ए में आपको अप्लाई करना है, आपको यूनिवर्सिटी बी में भी अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी ए का पोर्टल, लेट से मैं केमिस्ट्री, क्योंकि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ तो केमिस्ट्री की बात करूँ, तो लेट से मुझे बात करनी है केमिस्ट्री की, तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री ग्रेजुएट एडमिशन, क्योंकि पीएचडी एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट केमिस्ट्री इस तरह का टाइप करोगे तो गूगल आपको पहला ही लिंक दे देगा जहां पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये एक ट्रिक है ढूंढने की, अदरवाइज आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खोलोगे फिर उसमें जाओगे तो मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा लिंक ढूंढने में। तो इस तरीके से लिंक ढूंढ के आपको फिर सीधा अपनी ईमेल आईडी पुट करके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, और उसके बाद अपनी सारी डिटेल फिलअप करके, और उसमें फिर आप अपने प्रोफेसर का नाम डालोगे जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने वाले, और वंस यू गेट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम दोज प्रोफेसर्स आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट तो कर ही सकते हो, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी। इसके लिए 2 एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, जीआरई एंड टॉयफल। यूएसए के अंदर जीआरई एंड टॉयफल दोनों रिक्वायर्ड थे कुछ टाइम पहले तक, बट अब कुछ यूनिवर्सिटीज जीआरई को वेव ऑफ कर रही है, मतलब उनको जीआरई नहीं चाहिए। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज सच एज स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, MIT, ये सब्जेक्ट जीआरई भी मांगती है। सब्जेक्ट जीआरई इन द सेंस आपको केमिस्ट्री में एक जीआरई देना होगा, जीआरई की फुल फॉर्म है आपका ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो ये 2 एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, जीआरई टॉयफल। कुछ यूनिवर्सिटी IELTS भी एक्सेप्ट करती है। तो यस, दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज ऑफ एप्लीकेशन। सचिन, आप ये थोड़ा, जैसे कि आपने जीआरई की बात करी और कई एग्जाम की बात करी, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, थोड़ा इसके अगर आप बारे में बता दें।
हाँ तो अगर नहीं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो जनरली आप फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, तो जीआरई और टॉइफल का जो सिलेबस है वो अलग है। सब्जेक्ट जीआरई की अगर मैं बात करूँ तो वो कम्प्लीटली टेक्निकल होता है। सब्जेक्ट जीआरई इज लाइक आपका, लेट से मैं केमिस्ट्री से कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट जीआरई ऐसा होगा कि केमिस्ट्री से ही होगा कम्प्लीटली, आपको केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये वाले जीआरई वाले एग्जाम वेव ऑफ कर रही है, तो आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स को ज्यादा वरी करने की जरूरत है जीआरई के लिए। बट हाँ, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक जरूर कर लेना है कि वो जीआरई मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। मांग रहे हैं तो यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, अगर नहीं मांग रहे हैं तो जस्ट प्रिपेयर फॉर टॉइफल और आईएलटीएस। वो उनकी वेबसाइट पे गिवन रहता है कि कितना मिनिमम मार्क्स उनको चाहिए और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो जीआरई में जनरली दो ही सेक्शन आते हैं, एक मैथमेटिक्स का और एक वर्बल का। वर्बल मतलब इंग्लिश एग्जामिनेशन। आपको मैथमेटिक्स, देर आर मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, मतलब आप भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, काफी सारे लिंक अवेलेबल है। आपको कुछ बुक्स मिल जाएंगी, कैपलन है, मैनहट्टन है, आपको बस उसे रिवाइज करना। मैथमेटिक्स 6th क्लास से लेकर 9th 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आती है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। इंग्लिश में भी आपको बस अपनी वोकेबलरी टाइट करनी है, मतलब कि मगूज का एक ऐप आता है इंग्लिश वोकेबलरी का, आप उसे डाउनलोड कर लो, उसमें 1000 के अराउंड वर्ड होते हैं, आप उन्हें याद कर लो, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर लो, मतलब इंग्लिश एग्जामिनेशन। उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि अगर आपको जीआरई की प्रिपरेशन करनी है तो आपको 30 दिन चाहिए, 30 दिन आपको जीआरई को देने पड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि टॉइफल का एग्जाम कम्प्लीटली इंग्लिश का एग्जाम होता है और टॉइफल एग्जाम की फुल फॉर्म होती है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, या फिर अगर आप आईएलटीएस का एग्जाम दे रहे हो जो कि सिमिलर है टॉइफल से, वो भी इंग्लिश का एग्जाम होता है, उसका उसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो टॉइफल के एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश आती है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला रीडिंग सेक्शन, दूसरा राइटिंग सेक्शन, तीसरा स्पीकिंग सेक्शन, चौथा लिसनिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन सबसे बाद में आता है, पहला सेक्शन आता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन थोड़ा सिमिलर होता है जीआरई से, बट लिटिल इजी होता है। तो इसका मतलब अगर आप जीआरई में प्रिपरेशन कर रहे हो वोकेबलरी की, तो वो आपको हेल्प करेगी टॉइफल में, ठीक है। तो बेसिकली आपने जीआरई की इंग्लिश में प्रैक्टिस करी तो आपको टॉइफल में उससे हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप जीआरई में 30 दिन ले रहे हो प्रिपरेशन में, तो आपको टॉइफल में शायद 15 दिन ही लगे प्रिपरेशन करने में, आपको टॉइफल में उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। और एज फार एज मैं एग्जाम की बात करूँ, तो जब आप एग्जाम देने जाते हो, आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो, तो जीआरई का स्कोर आपके सामने आ जाता है तुरंत। आपने एग्जाम दिया, आपने सबमिट किया, आपको एक स्कोर बता देंगे, ये आपका स्कोर है। टॉइफल में ऐसा नहीं होता। टॉइफल में आप एग्जाम देते हो, आपको स्पीकिंग सेक्शन में आपको माइक्रोफोन के आगे बोलना पड़ता है, फिर वो आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, उसको एनालाइज करते हैं एग्जामिनर्स। फिर वो आपको लगभग लगभग आई मेरे को याद है 10 दिन लेते हैं वो, और 10 दिन बाद आपको आपका स्कोर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। और आपको अगर टॉइफल और जीआरई के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब पे काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप बस जीआरई टॉइफल टाइप करना है आपको बस, और नंबर ऑफ रिसोर्सेज खुल के आ जाएंगे। आप किसी भी रिसोर्स को उठा के स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले एसओपी की बात करी कि एसओपी भी पीएचडी एडमिशन में फॉरेन में बहुत इफेक्ट करती है, तो आप क्या उसका एक रोड मैप बता सकते हैं कि कैसे एसओपी को लिखा जाए जो कि बहुत अच्छी रहे एडमिशन के लिए? तो एसओपी जनरली, एसओपी में बोलूँ तो वो आपकी स्टोरी है, आपकी अपनी स्टोरी है, आपकी अपनी स्टोरी, आपके अलावा कोई और नहीं बता सकता। तो मैं पहले पहले तो एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आपको एसओपी लिखनी है तो आप किसी और की एसओपी मत पढ़ो, आप अपनी स्टोरी लिखो, अपनी कहानी लिखो, उसके बाद एज अ ड्राफ्ट उसे सेव करके दूसरे लोगों से चेक करवाओ कि भाई देखो मैंने ये स्टोरी लिखी है, अब इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, इंग्लिश वाइज क्या मिस्टेक्स हैं, ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम है क्या, मैंने इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं क्या। तो ये सब चीजें आप अपने मल्टीपल फ्रेंड्स को भेज सकते हो। जैसे कि मैंने मेरी जो एसओपी थी, मैंने 10 फ्रेंड्स को भेजी थी, तो सबने अपने अपने कमेंट्स दिए थे, फिर वो मैंने सारे इनकॉर्पोरेट किया, और उसके बाद जब मैंने वो एसओपी मेरी पहले ड्राफ्ट से कंपेयर करी तो कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप अपनी एसओपी लिखने के लिए जनरली आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो कि आप ऑब्जेक्टिव क्या है इस एसओपी का, आप पहले वो मेंशन करते हो पहले पैराग्राफ में। फिर आप स्टार्ट करते हो आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना कैसे। आप ऐसा लिखते हो, ठीक है मेरी लाइफ में ये इंस्टेंसेस हुए थे, देन आई इंट्रोड्यूस टू केमिस्ट्री। जैसे कि मेरे केस में मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोजेक्ट था, वहां से मेरे को केमिस्ट्री में और साइंस में इंटरेस्ट आया।
पहले साइंस में इंटरेस्ट डेवलप किया, फिर केमिस्ट्री में, तो इस तरीके से आप ना स्टोरी लिखते हो कि हाउ यू डेवलप इंटरेस्ट इन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखते हो वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट आने के बाद आपने क्या किया उसको लेके, आपके इंटरेस्ट को आपके आपने एनहांस कैसे किया। फिर आप लिखोगे मैंने फिर केमिस्ट्री में एडमिशन लिया बीएससी में, वहां पे मैंने ये अचीवमेंट मेरे को हासिल हुई, या फिर मैंने मास्टर्स किया, मैंने वहां पे ये प्रोजेक्ट किए। उसके बाद आप बिल्डअप करते हो अपनी एसओपी टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ। मतलब अभी आपने स्टार्टिंग में साइंस, वर्मी कंपोस्टिंग और काफी छोटी छोटी बातें की थी। उसके बाद आप बात करोगे एडवांस लेवल की, मैंने ये इंस्ट्रूमेंट सीखे, मैंने ये रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने ये पेपर पब्लिश किए। अभी उसमें एक लास्ट सेक्शन आता है, दो सेक्शन और आते हैं, यहां तक आपने अपनी स्टोरी बता दी। अभी क्योंकि आपकी एसओपी आपकी यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली है, तो वहां पे आपको बताना है कि उस एसओपी में कि आप कौन से प्रोफेसर के अंडर इंटरेस्टेड हो। मतलब आप पीएचडी में कौन सा प्रोफेसर की रिसर्च आपको पसंद है, तो आप वहां पे 2 से 3 प्रोफेसर मेंशन कर सकते हो, एक भी मेंशन कर सकते हो। तो वहां पे आप प्रोफेसर के बारे में लिखो कि ये प्रोफेसर ये फील्ड में काम कर रहे हैं और मेरे को ये इनका काम पसंद है। वो पैराग्राफ लिखने के बाद एक लास्ट पैराग्राफ आएगा कि मेरे को, अब आप यूनिवर्सिटी के बारे में लिखो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है, डिपार्टमेंट में काफी रिसोर्सेज हैं, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा हैं, मुझे प्रोफेसर पसंद है इस यूनिवर्सिटी का, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो लिख के आपकी एक एसओपी का पूरा पैकेज बनेगा और वो पैकेज आप मल्टीपल फ्रेंड्स को भेजो, अपने प्रोफेसर को भी भेज सकते हो, किसी को भेजो, एडिट करो, एंड दैट्स हाउ योर एसओपी गेट्स रेडी। जैसे कि सचिन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे चैनल पर, क्वेश्चन भी है कि हम अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढें। तो सर, क्या इसका भी आप थोड़ा रोड मैप बता सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारी अब्रॉड में यूनिवर्सिटी हैं, तो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे ढूंढें और फिर कैसे मेल करें? करेक्ट, दिस वेरी 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 नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, और यहाँ इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जब आप जीआरई टॉफल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काम आपको पैरेलली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जीआरई टॉफल की प्रिपरेशन कर ली फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी ढूंढो, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ आप प्रिपरेशन करते करते आपका इंटरेस्ट बना रहेगा प्रिपरेशन में भी, जब आप प्रोफेसर की वेबसाइट देखोगे, उसका काम देखोगे प्रोफेसर का। तो पर्टिकुलर इंसर्ट जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेट से आपको किसी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का रिसर्च ढूंढना है। लेट से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो या फिजिक्स में इंटरेस्ट है, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी भी कैसे पता करोगे, इन पर्टिकुलर यूएस की बात करते हैं, आप सर्च कर लो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज या टॉप 500 यूनिवर्सिटी इन यूएस, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, टाइम्स हायर की वर्ल्ड रैंकिंग है, वहां से लिस्ट मिल जाएगी आपको। वो लिस्ट से आपको यूनिवर्सिटी के नाम आ गए। अब एक यूनिवर्सिटी उठाओ, उसका नाम टाइप करो गूगल में, उसके आगे लिखो आपका डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं केमिस्ट्री से हूं, केमिस्ट्री की बात करूंगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री, और उसके आगे लिख दो ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीएचडी के लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम। अभी वो सीधा आपको उसके डिपार्टमेंट का पेज खोल के दे देगा। वहां पे आपको जाना है फैकल्टी प्रोफाइल्स में, ग्रेजुएट एडमिशंस में, आप ये मतलब यू हैव टू एक्सप्लोर द वेबसाइट, फिर वहां पे सारी फैकल्टी की प्रोफाइल्स आ जाएंगी। फैकल्टी की प्रोफाइल के बाहर ही लिखा होता है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ये अप्लाइड फिजिक्स है या कौन सी फिजिक्स है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिकल है, क्या है, सब लिखा रहता है। आप उस पर क्लिक करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप देखो प्रोफेसर में ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं, उसने कितने पब्लिकेशन पब्लिश किए हैं लास्ट ईयर्स में, आपको अच्छा लगता है प्रोफेसर तो उसका नाम नोट डाउन कर लो साइड में कि इस यूनिवर्सिटी से ये वाला प्रोफेसर, मैंने प्रोफाइल चेक करी और ये अच्छा लगा। और अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो एक एक्सेल शीट बना लो, यूनिवर्सिटी का नाम लिख लो, प्रोफेसर का नाम लिख लो, और उसकी वेबसाइट का लिंक भी डाल दो ताकि लेटर ऑन जब आप खोलो तो सीधा खुल जाए वहां से। तो ये डिटेल नोट डाउन कर लो। सेम यूनिवर्सिटी में टॉइफल का क्या स्कोर चाहिए, जीआरई का क्या स्कोर चाहिए मिनिमम, वो नोट डाउन कर लो। तो आपको एक टारगेट भी रहेगा कि भाई मेरे को टॉइफल में 120 में से 100 नंबर चाहिए इस यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर मुझे 120 में से 80 नंबर चाहिए इस यूनिवर्सिटी के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट जीआरई की ये है। तो आपको पता रहेगा, एक टारगेट रहेगा, एक एंथुजियाज्म और एक एनर्जी भी बनी रहेगी। तो दैट्स हाउ यू डू। जैसा कि सचिन, हम लोग एमएससी में जो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो उसका भी कितना इफेक्ट पड़ता है अब्रॉड में एडमिशन के लिए? प्रोजेक्ट, ये वो वाली बात है कि आपने किया तो अच्छा, नहीं किया तो चलेगा। तो जैसे कि प्रोजेक्ट आपने एमएससी में किया है तो जनरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है या स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पे थोड़ी सी फैसिलिटीज कम होती है रेदर देन आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर। तो इन यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से जनरली प्रोजेक्ट में उतना ज्यादा अचीवमेंट नहीं हो पाता मास्टर स्टूडेंट से जितना एक आईआईटी, एनआईटी और आईसर में होता है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है, वो कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं, वहीं पे उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप आईआईटी, एनआईटी या किसी ऐसे प्रेस्टिजियस और ज्यादा मतलब ऐसे रिसोर्सफुल इंस्टीट्यूट से हैं
तो आपको मास्टर्स में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होगा शो करने के लिए, तो गुड टू गो, दे विल कंसिडर इट, क्योंकि आपका मास्टर्स में एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है तो थीसिस तो वहां पे भी होती है, डिसर्टेशन तो वहां पे भी होती है, तो आप वो डिसर्टेशन प्रेजेंट करो, आप वो डिसर्टेशन प्रेजेंट करने के साथ साथ आप मेंशन करो कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आप अपने आप को सेल करो, मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, आई कैन बी अ बेटर पर्सन, आई कैन बी अ बेटर पीएचडी स्टूडेंट फॉर यू फॉर दिस रीजन, आप ये लिखो एसओपी में कि भले ही आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है बट आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं कि वो आपको ले, सो यू सेल योरसेल्फ। वहीं पे अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट यूज कर लो, सो दैट्स व्हाट इट इज। जैसा कि हम लोग जैसे अब्रॉड जाते तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि वहां कैसे हमारा खर्चा चलेगा, क्या इतनी फेलोशिप वहां मिलती है जिससे हमारा खर्चा चल जाए आराम से? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी बिल्कुल ध्यान रखती है इसका कि अगर आप यूएस में पीएचडी करने के लिए आ रहे हो तो वहां पे जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा उससे आपके नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस तो हो जाए। तो जनरली लेट से आप कैलिफोर्निया जा रहे हो तो कैलिफोर्निया में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसके हिसाब से आपको कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज आपके आपको स्टाइपेंड देती है, और लेट से आप टेक्सास में हो तो उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ सेविंग्स भी हो जाती है, तो मतलब आपका डेली कॉम्पिटिशन के लिए और बाकी चीजों के लिए आराम से स्टाइपेंड से निकल जाता है टाइम। जैसा कि सचिन अभी आपने कुछ देर पहले जीआरई कई एग्जाम की बात बताई जिसमें इंग्लिश का टेस्ट होता है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग होता है, तो क्या उनको अब्रॉड में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है? आई डोंट थिंक, क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, आपको प्रैक्टिस तो शुरू करनी पड़ेगी बिना, क्योंकि अब्रॉड इज लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, आप हिंदी में तो पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, आप जैसे एयरपोर्ट पे लैंड होगे आपसे कस्टम ऑफिसर इंग्लिश में बात करेगा, तो आपको इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी, एनी हाउ पुश योर सेल्फ लर्न इंग्लिश, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसकी आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपने आप से कुछ बात करते हैं, आप अकेले बैठे हैं तो यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, यू हैव टू लाइक आप किसी से बात कर रहे हो तो यू जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, यू ट्राई, तो धीरे 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 करके आप सीख सकते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं, अगर आपको लगता है इट्स नॉट दैट इजी, तो मैंने मेरी मास्टर्स में आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, और उसके बाद आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आई टुक आई थिंक 5 to 6 months, तो 5 to 6 months में मैंने मतलब आई जस्ट पुश्ड माई सेल्फ, और उसके बाद आई कुड सी द चेंज। सो आप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू डू इट। बहुत अच्छा सचिन आपने बताया, हमारे पास तो सचिन क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स एक्स्ट्रा दे सके तो जरूर दें। अगर जैसे कि ये पूरा पीएचडी इंटरव्यू के ऊपर ही है, पीएचडी एडमिशन के ऊपर ही है, तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप जीआरई टोएफल की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि बाहर जाना है, तो जस्ट डोंट गिव अप, बी कंसिस्टेंट, क्योंकि जब आप जीआरई की प्रिपरेशन की स्टार्ट करते हो, जब आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रांग करना स्टार्ट करते हो, तो लेट से आपने टारगेट बनाया कि मैं आज 20 वर्ड याद करूंगा या करूंगी, अगर आपने कल मिस कर दिया फॉर एनी रीजन, तो आपके वो 20 वर्ड आपके दिमाग से उड़ जाएंगे। यू हैव टू कीप कंसिस्टेंटली डूइंग इट, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है, तभी आप 30 days में टारगेट बना के प्रिपेयर मतलब कर सकते हो। और अपनी वही जो मैंने बात करी कि अपनी एसओपी जरूर प्रूफ रीड कराएं, क्योंकि अगर एसओपी में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं तो वो सिंपल रिजेक्शन आ सकता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो उनको लगेगा कि इसकी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको अगर इतने में ही प्रॉब्लम है तो बाकी एप्लीकेशन हो सकता है वो आपकी चेक ही ना करें। तो एसओपी आपका एक आपका परफॉर्मा है, आपका रिज्यूमे है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए अच्छे प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करें, प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करके आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वही ओवरऑल वही बोलूंगा कि परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू गेट पीएचडी अब्रॉड, दैट्स इट। ओके सचिन, थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को दिया, सो थैंक यू। थैंक यू विवेक।